बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका उस्ताद शेफ, वेलकम टू द शो। नाज़रीन, तब्दीली के बदनाम हुई, ये इस तरह का ट्रेंड चल रहा है जो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव है इस वक्त, और लोग जो है ना बड़े अजीब से नाशुक्रे से हैं, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस। क्योंकि देखिए, बात यह कि बिजली के नरखों में बढ़ाव आ गया, ये एक तब्दीली है। गैस और CNG महंगी हो गई, ये एक तब्दीली है। ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए, ये एक तब्दीली है। PM हाउस से भैंसों का ऑक्शन हुआ, ये एक तब्दीली है, बहुत बड़ी तब्दीली है जनाब। आज तक जिंदगी में आपने कभी सुना था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस से भैंसों का ऑक्शन किया जाएगा? ये भी एक तब्दीली है जनाब। गाड़ियों का ऑक्शन हुआ, ये भी एक तब्दीली है। महंगाई बसूरत दीगर जो है ना वो हर सूरत में ऊपर चलती जा रही है, ये भी बहुत बड़ी तब्दीली है जनाब। करप्शन की रेखों में भी बेशुमार इजाफा हो गया है। दो जो काम लाख रुपए में होता था वो 3 से 4 लाख रुपए में होता है, यानी कि 300-400% इंक्रीज हो गया है, ये भी बहुत बड़ी तब्दीली है। हुजूर, आपको इस बात का एहसास करना चाहिए आवाम को। नवाज शरीफ साहब बगैर NRO के रिलीज हो गए, और डॉक्टर आसिम साहब को कोर्ट ने खुली छुट्टी दे दी 450 रुपए करप्शन में, कि आप जाइए जाकर बाहर से अपने इलाज करा कराइए, जो कि यहाँ नहीं हो रहा। वो भी बहुत बड़ी तब्दीली है। विदाउट NRO नवाज शरीफ साहब रिलीज हो गए, विदाउट NRO शहबाज शरीफ साहब रिलीज हो जाएंगे, ये भी बहुत बड़ी तब्दीली है। सलमान शहबाज इज गोइंग टू इज कमिंग इन एज अ न्यू अपोजिशन लीडर, ये भी बहुत बड़ी तब्दीली है जनाब। CPAC के अंदर आपने नोट किया कितनी बड़ी तब्दीली आई है। था सऊदी अरब एक दिन आ रहा था, 2 दिन बाद ऐलान होता है सऊदी अरब नहीं आ रहा, फिर ऐलान होता है सऊदी अरब आ रहा है, फिर आता है ऐलान सऊदी अरब नहीं आ रहा है। भाई क्या आखिर को ये तब्दीली नहीं तो और क्या है? आपने इतनी फास्टली रोटेट, इतनी रैपिडली रोटेटिंग स्टेटमेंट्स कभी किसी गवर्नमेंट के सुने हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या ये तब्दीली नहीं है? अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिजली के नरखों में कमी आ जाएगी, गैस सस्ती हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, आपकी तनख्वाहों में बरकत बढ़ जाएगी, करप्शन खत्म हो जाएगी या कम से कम हो जाएगी लेवल तक, लोग चोरी डकैती और बेईमानियों से बाज आ जाएंगे, ये तब्दीली अगर आप तवक्को कर रहे थे तो आप अहदे पीढ़ी में शबाब की बातें कर रहे हैं जनाब। ऐसा होने वाला नहीं है। और अगर आपकी ये तवक्कोआत थी तो मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि आपकी तवक्कोआत पूरी हों और मेरी जबान से दोबारा इसकी तौसीफ निकले कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में तब्दीली वाकई आ गई है। लेकिन फिलहाल जो तब्दीली आई है मैंने वो आपके सामने पेश की है, फैसला आपको करना है। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने कहा।